बस मेरे भोलेनाथ जी का एक काम बड़ा अच्छा है, वो अपने भक्त का इंतजार करते हैं। मेरे शिव, मेरे ओगड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर अपने भक्त का इंतजार करते हैं कि ये मुझे पुकारे, मैं जाऊं। इंतजार समझा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि शिव तो ठेरे कैलाशी, अरि गोरा पछ बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओगी। यहां तक लोगों ने कहा कि शंकर भगवान जिस पर बैठते हैं वो नंदी भी बूढ़ा है, जो सांप गले में पड़ा है वो भी बूढ़ा है। कहां तुम शंकर के चक्कर में पड़ी हुई है। पार्वती जी को समझाने वाले बहुत आए, भगवान विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्रदेव आए, सारे देवता पहुंचे समझाने के लिए, पर मां नहीं मानी। शंकर भगवान के प्रति तुम्हारे पास में भी समझाने वाले बहुत आएंगे। कहां जा रहे हो लोटावल के जल चढ़ाने, काय को पशुपति व्रत कर रहे हो, काय को सोमवार का व्रत कर रहे हो, क्या शिवरात्रि को दिन अभिषेक करना, क्या सोमवार की अष्टमी मनाना। बहुत लोग आएंगे और तुमको ज्ञान देंगे। पार्वती जी बिल्कुल उनके कहने में नहीं आई तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी मां पार्वती से कम तो नहीं हो, ये मेरा विश्वास है। कोई तुम्हें कितना भी समझाए क्यों बेलपत्री चढ़ाते हो, क्यों चढ़ा हुआ जल पीते हो, क्यों बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो, क्यों लोटा भर के जल चढ़ाते हो, क्यों सीवर वाले महाराज का कहना मानते हो, तुम भी पार्वती से कम नहीं हो। इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं तेरे घर पे पूछने के लिए आई थी क्या? मैंने कभी तुझसे कहा कि तू होटल में खाने मत जा तो तू कहने वाला कौन कि मैं मंदिर ना जाऊं? तू कहने वाला कौन? तू दिन भर पान की दुकान पर खड़ा रहे, होटल पर खाता रहे, यामा घूमता रहे, जब तुझे मैंने कुछ नहीं कहा तो तू बोलने वाला कौन? अब बोल। फिर वही वाली बात आ गई, आधी कमरिया पे साड़िया भाई आंटी की बात। अब वो बोले बोले ये मेरा मन है, मेरा चित्त लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या सोचे, अब क्या विचार करें? पार्वती जी को समझाया लोगों ने, नहीं मानी, क्योंकि चित्त जुड़ा है, मन जुड़ा है। भगवान इंतजार, आप अपने बच्चे को स्कूल तैयार करके भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बोलो जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के, भेजते हो? बच्चा अगर 2 बजे तक स्कूल से नहीं आया, उसके आने का टाइम है 2 बजे, उसका आने का टाइम है 5 बजे, उसका आने का टाइम है 4 बजे, अगर नहीं आता बच्चा स्कूल से तो तुम्हें चिंता होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के। एक माँ अपने स्कूल गए बच्चे का इंतजार करती है, सजा कर भेजा, टिफिन लगा कर भेजा, स्कूल की फीस जमा करी, सब कुछ करा, गाड़ी करी, वैन करी, बच्चा बैठा, कंगा पार्टी कर कपड़े पहना कर, अच्छे प्रेस वाले नए रोज धो के प्रेस करके पिना के जूतों पर पॉलिश कर बच्चे को टिफिन रखकर, खाने पीने का सामान रखकर, टॉफी बिस्कुट देकर, सारा सामान लीड कॉपी पेन सब देकर, बैग तैयार कर पानी की बॉटल देकर उसको भेज दिया, जा स्कूल जा। और बच्चा वहां से आए, बच्चे को क्यों भेजा कि बच्चा वहां जाएगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो नाम रोशन करेगा,
पढ़ेगा तो अपनी जिंदगी का आनंद पाएगा, पढ़ेगा तो माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा तो ये अपनी जिंदगी को संवार लेगा, कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी बन जाएगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। बस माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, मेरा बच्चा आएगा, उसी तरह वो मेरा भोलेनाथ भी है, पृथ्वी पर जन्म दिया, सब कुछ कर कर भेज दिया। जाओ पृथ्वी पर जाकर पढ़ना, जाओ पृथ्वी पर जाकर भजन करना, जाओ पृथ्वी पर जाकर शिव महापुराण का रस तत्व ग्रहण करना, जाओ पृथ्वी पर, भगवान शंकर कहते हैं, वहां जाकर अपना नाम आनंद में करना, रोशन करना, जाओ और फिर मेरा भगवान भी जैसे माँ अपने बच्चे का स्कूल से आने का इंतजार करती है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी फिर तुम्हारा इंतजार करता है, आएगा। अब सोचिए, बच्चा स्कूल से आने के बाद माँ के गले लगकर कहता है, माँ आज मैंने सीखा क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, बच्चे के मुख से तोतरी भाषा से जब माँ सुनती है, माँ खुश होती है, पिता सुनता है, पिता खुश होता है, और जब हमारे भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं और अपनी भाषा से कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो मेरा भोलेनाथ खुश होता है, आनंदित हो जाता है, ये आया मेरे पास, ये मेरा है, ये मेरा है, ये शंकर का भजन स्मरण हम करें। माँ पार्वती को समझाया गया, शंकर से इसने ना करिए शादी, आप किसी और से कर लो, भगवान नहीं नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा।